नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे और इससे बुंदेलखंड में क्या चेंज होने वाला है इसको भी देखेंगे। वीडियो के अंदर हम इंफॉर्मेशन और अपडेट को देखेंगे। दोस्तों, बुंदेलखंड रीजन, यहाँ पर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश के अन्य रीजन्स के मुकाबले काफ़ी कम है। यहाँ पर पुराने समय से ही सूखे की समस्या रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि केन बेटवा इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके अलावा वाटर पाइपलाइन समेत कई सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, ताकि यहाँ पर सूखे की समस्या से किसान निजात पा सकें। इसके अलावा फार्मिंग में भी काफ़ी सारा इनोवेशन यहाँ पर किया गया है। रिसेंटली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी डेवलपमेंट कंप्लीट किया गया है, जो कि अब ऑपरेशनल है। एक्सप्रेसवे का निर्माण यहाँ पर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी प्रमोट हो, राज्य के अंदर इस क्षेत्र के अंदर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार भी करना प्रस्तावित किया गया है। इसको चित्रकूट धाम और झांसी तक विस्तारित किया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसके अलावा इस नेटवर्क के सारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोशन मिलेगा। बुंदेलखंड में नोएडा जैसी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव योगी सरकार ने लाया और बाद में इसको अप्रूव किया गया। दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी टाउनशिप समेत कई सारे प्रोजेक्ट्स को सेटअप करती है, जिससे रीजन में डेवलपमेंट होता है। यूपी कैबिनेट ने 13 सितंबर 2023 को फाइनल अप्रूवल इस अथॉरिटी को बनाने के लिए दे दिया। दोस्तों, यह अथॉरिटी बीडा के नाम से जानी जाएगी, जिसको हम बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहेंगे। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोएडा की तर्ज पर सेटअप करने का प्लान किया गया है। नोएडा, जो कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको 1976 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद यहाँ पर सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ और आज के समय में आप देख सकते हैं कि नोएडा किस प्रकार डेवलप हुआ। हालांकि इसके कई सारे एडवांटेजेस थे इस रीजन में, जिस कारण नोएडा के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। हालांकि हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड एक बैकवर्ड रीजन है और इसके डेवलपमेंट के लिए इस अथॉरिटी को अप्रूव किया गया है। बीडा आने वाले समय में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप करने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्मेशन से यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया एक्सपांसन न्यू इंडस्ट्रियल एरिया प्रमोशन पॉलिसी के तहत इस डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ है। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप झांसी ग्वालियर रोड पर प्रस्तावित किया है। यहाँ पर करीब 5,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है इस अथॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए बजट 2022-23 में। दोस्तों, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जब फॉर्म होती है, उसको इनिशियली फंड की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट कर पाए। इसके अलावा अथॉरिटी को रन करने के लिए लोगों को भी अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, अथॉरिटी को चलाने के लिए फंड और अपॉइंटमेंट के साथ साथ इनिशियल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, तो ये सपोर्ट उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन देगा। इसके अलावा बीडा अपना लैंड बैंक भी इंक्रीज करेगी। हालांकि अभी उसके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना लैंड बैंक भी इंक्रीज करेगी, जहां पर प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इन 5 करोड़ रुपीस का जो फंड मिलेगा इस अथॉरिटी को, वो एज अ लोन बेसिस यूपी गवर्नमेंट देगी, जिसको बीडा द्वारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर यूपी गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसके तहत वो लैंड को परचेस करेगी और परचेस करने के बाद वहाँ पर टाउनशिप सेटअप होगा। टाउनशिप को सेल करने पर जो उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, उन रेवेन्यूज के सहारे वो और भी प्रोजेक्ट सेटअप करेगी और गवर्नमेंट को लोन देगी। एज पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया एक्सपेंशन न्यू इंडस्ट्रियल एरिया प्रमोशन पॉलिसी, इनिशियली यहाँ पर टाउनशिप को ही सेटअप किया जाएगा झांसी ग्वालियर रोड पर। गवर्नमेंट यहाँ पर 35 एकर्स का लैंड एक्विजिशन करने वाली है जल्द ही। इसके लिए करीब 33 रेवेन्यू विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है फेस वन के तहत बुंदेलखंड के अंदर। करीब 14,000 एकर्स में टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा झांसी ग्वालियर रोड पर। यहाँ पर दोस्तों, इस टाउनशिप को नेशनल हाईवे के थ्रू मेजर सिटीज से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल हाईवे 27 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ा जाएगा। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नंद गोपाल नंदी, इन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और इसके तहत यहाँ पर लैंड एक्विजिशन 6 मंथ के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। बीड़ा के अंतर्गत 6 जिले आएंगे जहाँ पर लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। इसके अलावा ये क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के काफी करीब आता है। इंटर स्टेट ट्रेड हब के रूप में भी डेवलप करने का प्रस्ताव है सरकार द्वारा। यूपी एसआईडीए की गाइडलाइन के आधार पर बीड़ा के अंदर एम्प्लॉइज को पोस्टिंग दी जाएगी। दोस्तों, बुंदेलखंड में लैंड एक्विजिशन ईजी है और चीप है, ड्यू टू लेस पॉपुलेशन डेंसिटी
इसके अलावा यहाँ पर लैंड पार्सल एक्वायर करना भी इजी है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज भी यहाँ पर ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो ये क्षेत्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर इसकी संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी ये डेवलपमेंट होगे वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंक्रीज करेंगे। यूपी एसआईडी ऑफिशियल्स के अनुसार मध्य प्रदेश के करीब एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, जो कि शुरुआत में डोमेस्टिक फ्लाइट्स को हैंडल करने के लिए बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आने वाला बुंदेलखंड का एरिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के मुकाबले इकोनॉमिक और सोशली काफ़ी बेहतर है। उसका इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर देखें तो वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से काफ़ी बेहतर है। ग्वालियर जैसी बड़ी सिटी वहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर बनाए गए हैं, कई इंडस्ट्रियल साइट्स ऑपरेट होती हैं। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश के साइड वाले बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ना कोई बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के अंदर कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर चलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये डिफेंस कॉरिडोर का भी हिस्सा है, झांसी नोड, चित्रकूट नोड। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑफिशियल इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का भी फॉर्मेशन कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग कंप्लीट हो गया है, जिसको और भी एक्सपांड किया जाएगा थ्रू लिंकिंग। तो इस प्रकार दोस्तों, बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट होने वाला है, जो कि अर्बनाइजेशन को भी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।